हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं बाइसेप्स, अपने आर्म्स को ट्रेन घर पे ही, ठीक है ना। क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आप लोगों के मेरे पास। तो देखो यार, जिम बंद है तो सब लोग घर पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं और घर पे ज्यादातर बॉडी वेट एक्सरसाइज ही हो रही है, ठीक है। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अभी कुछ दिन पहले डाला था। तो देखो यार, जो बॉडी वेट एक्सरसाइज है उससे आपका स्ट्रेंथ और आपका स्टेमिना तो बढ़ता है, लेकिन मसल साइज, देखो यार, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप मसल साइज बढ़ाना चाहते हैं तो सिर्फ बॉडी वेट से कुछ नहीं होगा। मतलब सिर्फ बॉडी वेट एक्सरसाइज उसके लिए काफी नहीं है, उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी ही पड़ेगी, अपनी मसल्स पे वेट का जो टेंशन है वो डालना पड़ेगा। और दूसरी चीज, बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे थे कि भैया कोई ऐसी एक्सरसाइज बताओ जो हम घर पे ही कर सकें और हमारे बाइसेप्स अच्छी तरह से ग्रो हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे बाइसेप बहुत ज्यादा वीक है। तो उन लोगों को मैं एक बात बता दूं कि सबसे पहली चीज कि अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो बाइसेप्स है, आपका जो हाथ है वो अच्छा दिखे, तो उसके लिए आपको पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, इसमें बहुत सारे मसल्स हैं और ये जितने भी मसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। देखो, आपको एक सिंपल लाइन में समझाता हूँ। अगर आप बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हो और ट्राइसेप को ट्रेन नहीं कर रहे हो, ठीक है, या फिर शोल्डर को या बैक को ट्रेन नहीं कर रहे हो, सिर्फ बाइसेप और ट्राइसेप पे ध्यान दे रहे हो, तो उस बाइसेप और ट्राइसेप की जो लिमिट है, उस मसल के ग्रोथ होने की जो लिमिट है वो बंध जाएगी, वो उससे ज्यादा, एक लिमिट से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि उससे आगे वाली जो मसल है वो ग्रो नहीं कर रही, आप समझ रहे हो। और इसीलिए आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपने आर्म्स के तीनों हिस्सों को ट्रेन, जो है शोल्डर, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। ओके, तो वेट्स के लिए आपको क्या करना है, आपको चाहिए एक इस तरह का बैग, ठीक है, ट्रेवलिंग बैग या फिर कॉलेज बैग, जो भी बोलो। और उसमें आप कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट, कोई भी भारी सामान रख सकते हो, जैसे ईंट है, किताबें हैं, मैं यहाँ पर रख रहा हूँ बोतलें, पानी की बोतलें। इस जुगाड़ का एक और फायदा है कि आप इसमें जो वेट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। सो सबसे पहली एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बाइसेप्स कर्ल, नॉर्मल ग्रिप, ठीक है। उसके लिए आपको जो इसके बैक के स्ट्रिप है, आपको इतनी दूरी पर होल्ड कर रहे हैं, जितने आपके शोल्डर की चौड़ाई है उतना, ठीक है। उसके बाद आपकी जो बॉडी है वो हल्की सी आगे की तरफ बेंड होगी और एल्बोज है वो बिल्कुल लॉक होंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद स्लोली कर्ल, और आपको जितनी भी एक्सरसाइज है वो बिल्कुल स्लो करनी है, टेम्पो इसका बिल्कुल स्लो रखना है। जल्दी जल्दी अपने जो रेपिटेशन है वो ख़त्म करने की कोशिश मत करना, उससे दो फायदे होंगे। पहला ये कि आपका माइंड और मसल कनेक्शन बना रहेगा, और दूसरा ये कि ये जो बैग है ये यार बहुत ज़्यादा हिल रहा है, तो इस बैग का बैलेंस भी सही तरह से बना रहेगा। अब जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है बाइसेप्स कर्ल वाइड ग्रिप। उसके लिए आपको इस जो आपके पास बैग है उसमें सिंगल हैंडेड ही करना पड़ेगा, और उसके लिए आपका जो हाथ है वो थोड़ा बॉडी से दूर रखना है, ओके। इससे ये जो टेंशन है, ये जो लोड है आपने जो उठा रखा है, वो बाइसेप्स का जो शॉर्ट हेड है उस पे आएगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट स्लोली, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि आप जब भी कर्ल कर रहे हैं, ठीक है, उसमें जब आपकी जो मसल है जब स्ट्रेच होती है तो आपको पूरी तरह से स्ट्रेच करना है, और कॉन्ट्रैक्शन में जब आती है तो आपको पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करना है, ओके। नाउ स्टार्ट, दस से बारह रेपिटेशन और चार सेट हर एक्सरसाइज के, ठीक है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है हैमर कर्ल, ठीक है। उसमें आपको बैग इस तरह से पकड़ना है कि आपके जो हाथों की पोजीशन है वो ऐसे आएगी, ओके। सो इस तरह से, ठीक है, पोजीशन वही है, पोस्चर वही रहेगा, बस हाथों की पोजीशन चेंज, माइंड एंड मसल कनेक्शन आपका पूरी एक्सरसाइज के दौरान बना रहना चाहिए। और ये बनता कैसे है कि आपको जब भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जब भी आप कर्ल कर रहे हो, तो आपका ध्यान उसी मसल के ऊपर रहना चाहिए जिस मसल को आप ट्रेन कर रहे हो, ठीक है।
अब जो चौथी एक्सरसाइज है बाइसेप्स की वो है रिवर्स कर्ल। ओके, उसमें आपको बैग इस तरह से पकड़ना है, ठीक है, जो आपकी एल्बो है वो लॉक रहेगी, चेस्ट बाहर। नाउ स्टार्ट, ये जो एक्सरसाइज है इसका भी जो टेंशन है वो आउटर हेड ऑफ बाइसेप्स पे है और उसके साथ साथ फोर आर्म्स के ऊपर भी है। टेम्पो आपको बिल्कुल स्लो रखना है, मतलब आराम आराम से एक्सरसाइज करनी है, जल्दीबाजी करके अपने एक्सरसाइज के रेपिटेशन को ख़त्म करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि आप जल्दीबाजी करोगे तो आपका पोस्चर बिगड़ेगा, ठीक है। और हमने जो ये जुगाड़ बिठा रखा है बैक का, ये बहुत ज़्यादा झूल रहा है, ठीक है, तो अगर आप जल्दी जल्दी एक्सरसाइज करोगे तो ये भी झूलेगा और फिर आपका आधे से ज़्यादा ध्यान इस बैक के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आराम आराम से स्लोली स्लोली आपका जो रेपिटेशन है उसे कंप्लीट करना है। इसके बाद हम करेंगे अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले सिंगल हैंडेड ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, इस तरह से आपको बैग पकड़ना है। नाउ पीछे और स्टार्ट, जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सके आपको स्ट्रेच करना है और कॉन्ट्रेक्शन कंप्लीट करना है। रेपिटेशन में आपको बार बार बताता जा रहा हूँ, 10 से 12 रेपिटेशन और 4 सेट। इसके बाद ट्राइसेप एक्सटेंशन दोनों हाथों से, ओके, तो इस तरह से बैक को पकड़ना है। नाउ स्टार्ट, और अगर आपके पास वेट कम है और उसी वेट का जो टेंशन है, जो लोड है, उसको बढ़ाना है तो अलग अलग टेक्निक्स है वो आप यूज़ कर सकते हो, और इन टेक्निक्स में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि वो टेक्निक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है कि आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो और आपके पास वेट कम है तो आप फिर भी अपने मसल को ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन में ला सकते हो। ओके, आप ट्राइसेप्स की जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है ट्राइसेप डिप्स, उसके लिए भी आप ये वेट यूज़ कर सकते हो, क्या वेट तो यूज़ करना ही है। नाउ इस तरह से आपको दो चीज़ें चाहिए, कोई सी भी आप यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ स्टार्ट, और इस ट्राइसेप डिप्स में आपको ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, ठीक है ना, इस तरह से ज़्यादा नीचे नहीं जाना है, वरना ज़्यादा लोड, सारा लोड जो है आपके शोल्डर पे आ जाएगा, तो आपको जहाँ तक आपके पैरेलल हो जाएगी एल्बोज, जो पैरेलल हो जाएगी वहीं तक आपको नीचे जाना है। ओके, इस तरह से, अब हम ट्रेन करेंगे अपने शोल्डर्स को। ओके, तो सबसे पहले शोल्डर साइड रोजेस, उसमें आपको बिल्कुल स्ट्रेट रहना है, चेस्ट बाहर, एक हाथ पीछे। नाउ स्टार्ट, टू थ्री फोर। इसके बाद शोल्डर के लिए फ्रंट रेजेस सामने की तरफ। ओके, पोस्चर बिल्कुल सब कुछ सेम का सेम रहेगा, चेस्ट बाहर, एक हाथ पीछे। नाउ स्टार्ट, और अगर आपके पास दो बैग्स हैं तो आप अल्टरनेट भी लगा सकते हो दोनों हाथों से एक साथ, ठीक है। माइंड एंड मसल कनेक्शन आपको पूरी एक्सरसाइज में, पूरे वर्कआउट में ध्यान में रखना है। अब शोल्डर के लिए तीसरी एक्सरसाइज है, वो है पाइक पुशअप्स, ठीक है। इसमें आपको वेट की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। उसके लिए पोजीशन आप देख लीजिए, पैर ऊपर थोड़े क्लोज। नाउ स्टार्ट,
सो फ्रेंड्स, ये हो गई होम वर्कआउट विथ वेट्स, ठीक है, क्योंकि अगर आपको मसल की साइज बढ़ानी है तो आपको वेट ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ओके। और जो अभी जुगाड़ हमने बताया वो बहुत अच्छा भी है, क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से वेट को घटा और बढ़ा भी सकते हैं, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे एक दिन बाइसेप्स, एक दिन ट्राइसेप्स, दूसरे दिन शोल्डर। सो इन सारी एक्सरसाइज के साथ साथ आपको बॉडी वेट ट्रेनिंग भी करनी है, ठीक है ना, वो आपको नहीं छोड़नी है, क्योंकि आप जब दोनों एक साथ करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नए भाई लोग हैं, जो इस चैनल पर नया है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। जो नीचे लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको दबाना है, और उसके बाद जो घंटी का निशान आएगा उसको भी आपको दबाना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।